हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो अपना हाल फिलहाल आरवीएनएल जेई ए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जूनियर के में जितने भी आरवीएनएल के एग्ज़ाम हैं उसके लिए राजस्थान करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपन राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए राजस्थान की जो जीके होती है वो करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन ने राजस्थान करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक सर्वे चार पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सबसे पहले वो देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले उनको जाके वो देख लिए, ताकि आप कम समय में एक लिमिटेड टाइम मैनर में अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और एग्ज़ाम को निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ताकि आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें और आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलो अपन डिस्कस करते हैं। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन राजस्थान जीके को, जिसको अपन डिस्कस करते हैं। बालकृष्ण वी दोषी, ये कौन है? आर्किटेक्ट बालकृष्ण वी दोषी को आर्किटेक्ट क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया। कौन सा नोबल पुरस्कार दिया गया? नोबल पुरस्कार जिसे बोलते हैं आर्किटेक्ट क्षेत्र का, पृथ्वीजकर आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, और बालकृष्ण वी पी दोषी ये पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में पहले ही राजस्थान के बालकृष्ण वी पी जी हैं, वी दोषी जी हैं, जिन्हें नोबेल आर्किटेक्चर जो क्षेत्र होता है उसका नोबेल पुरस्कार दिया। उसको क्या नाम है? पृथ्वीजकर आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, और ये इंडियन फर्स्ट इंडियन है जो इस अवार्ड को रिसीव किया है। और दोस्तों ये वही बालकृष्ण वी दोषी जी हैं जिन्होंने 1984 जयपुर में जो विद्याधर नगर है, जो पॉश एरियाज़ में आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया। जो एक नगर है वो विद्याधर नगर है जयपुर में, उसको डिज़ाइन किया था 1984 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें कुछ अपन अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ अवार्ड देख मैं इम्पॉर्टेंट को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। रील को गवर्नर नाउ पीएसयू अवार्ड। अपन सब जानते हैं पीएसयूज, जैसे अपन गेट का एग्ज़ाम देते हैं अपनी पीएसयूज में जॉब लगती है, वैसे ही राजस्थान में एक पीएसयू है रील। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनी रत्ना है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड रील को गवर्नेंस नाउ पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, राजस्थान की पीएसयू है रील, उसे कौन सा अवार्ड मिला है? गवर्नेंस नाउ। ठीक है दोस्तों, ये सम्मान तकनीकी नवाचार श्रेणी में बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो नई नई टेक्निक्स होती हैं उसकी श्रेणी में बिजनेस अपने बिजनेस को कितना डाइवर्स किया उसके सेक्टर में दिया जाता है। फिर बात करें ऊर्जा रत्न सम्मान 2018, प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह है। कौन है? आपको याद रखना है, राज्य मंत्री ऊर्जा पुष्पेंद्र सिंह है। इन्होंने 15 मार्च 2018 को जयपुर डिस्कॉम है ना, जो अभी जैसे अपन राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बोर्ड कंपनीज थी, जयपुर जोधपुर अजमेर। तो जो जयपुर डिस्कॉम है उसके प्रबंधक हैं निदेशक आर जिगपुता, ऊर्जा क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं एवं उत्कर्ष उपलब्धियों के लिए ऊर्जा रत्न अवार्ड 2018 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऊर्जा रत्न सम्मान 2018 किसे दिया गया है? जयपुर डिस्कॉम को दिया। आपको ये बात ध्यान रखनी। फिर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य से रिलेटेड, साहित्य मतलब होता है लिटरेचर से रिलेटेड, कोई भी एकेडमिक पुरस्कार होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राजस्थान का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है मीरा पुरस्कार, आपको ये भी ध्यान करना है। मीरा पुरस्कार कौन से फील्ड से रिलेटेड है? लिटरेचर से। ठीक है, तो किसे दिया गया? दीप्ति कुलश्रेष्ठ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब से ये करंट अफेयर हुआ उसके बाद से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दीप्ति कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास अंधे मोड़ से आगे के लिए दिया गया, उनका जो नोवेल है उसके अंधे मोड़ से आगे के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स 2017। हैप्पीनेस इंडेक्स जो प्रसन्नता सूचकांक होता है ना, जिसे अपन हिंदी में प्रसन्नता सूचकांक कहते हैं, तो उसके अंदर इंडिया के 23 स्टेट्स का मतलब लिस्ट तैयार की गई थी, उसमें राजस्थान का 17th नंबर आया। बहुत ही दोस्तों कम नंबर आया है, मतलब सिर्फ 23 ही राज्य, 29 तो पूरे ऑल इंडिया राज्य हैं, उनमें से सिर्फ 23 राज्यों का किया गया, उसमें भी से भी राजस्थान का 17वां आया। तो बहुत ही मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके डिसाइड किया जाता है, जैसे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब सिक्योरिटी, यूथ किस तरह से, एजुकेशन है ना, ये सब पूरी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, ये जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो 16 शहरों में हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 जयपुर को 14वें नंबर पर रखा गया। ठीक है, और देश के चुनिंदा 16 शहरों में से जो जयपुर का था वो 14 था, जयपुर का भी बहुत ही कम है। और सोचिए चंडीगढ़ है ना, जो अपने पंजाब साइड में, पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी की कैपिटल चंडीगढ़, इसी श्रेणी में प्रथम आया। ठीक है दोस्तों, तो अब बाकी मैंने बात कर दी, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो।
फिर बात करें राजस्थान में ODF की स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं ODF क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब जितने भी भारत में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि ODF स्कीम चलाई थी, उसके अंदर क्या था, ओपन डिफिकेशन फ्री, जो बाहर में शौच करते थे उससे मुक्ति के लिए एक ODF स्कीम चलाई गई थी। तो उसमें राजस्थान की क्या स्टेटस है, ठीक है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने 6 मार्च 2018 को विधानसभा में बताया कि राजस्थान की 9,310 ग्राम पंचायतें, मतलब जितने भी रूरल पंचायत है, उनको ODF खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जब भी खुले में शौच होता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है, जैसे बहुत सारी बीमारियों का डिजीज़ होती है। तो वैसे ODF खुद ही अपन को एक चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ हैं कि अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 9,891 ग्राम पंचायतों में से 9,310 ग्राम पंचायत यानी 94.13% ग्राम पंचायतें वर्तमान में ODF घोषित हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया नरेंद्र मोदी जी की इस योजना में, मतलब सेंटर की योजना थी, 94% कर दिया गया, अब कुछ ही परसेंट हो जाएगा और शायद 2019 या 2020 तक ये पूरी 100% हो जाएंगी। फिर बात करें, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं पहला बोन बैंक, राजस्थान में पहला बोन बैंक बना है। बोन बैंक क्या होता है, प्रदेश में पहला बोन बैंक कहाँ पे खुला है, कोटा में खुला। पहले बात करें बोन बैंक क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लो कोई डोनर है, डोनर जैसे आपने आज सुना होगा लीवर डोनेट करना, आइस डोनेट करना, अब जो बोन बैंक होती है ना वो भी डोनेट होगी। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो अस्थियाँ हैं ना, जैसे मान लो अस्थियाँ मतलब बोन मैरो को आपको डीप फ्रीजर में रख के वहाँ पे उसको प्रिजर्व किया जाएगा, और जिसके अंदर भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो उसे बोन बैंक के थ्रू उसको दे दिया जाएगा। और इससे पहले उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में ये सिर्फ दिल्ली में जो एम्स है ना वहाँ पे ये फैसिलिटी थी, लेकिन अब राजस्थान में हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो कोटा में से खोला गया है बोन बैंक। फिर बात करें भारतमाला परियोजना या फिर प्रोजेक्ट, भारतमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतमाला के अंदर था क्या, मैंने एक तो आपको करंट अफेयर्स में बताया था सागरमाला, और एक है ये भारतमाला, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए। फिर बात करें भारतमाला क्या होती है, ठीक है, भारतमाला के अंदर क्या था कि जितने भी भारतमाला के अंदर क्या था कि भारत के अंदर जितने भी मेन सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पे क्या जाएगा, उनको नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर कोटपुतली शहर के लिए प्रस्तावित बाईपास को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ थी, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। राज्य में पहली बार चंदन की खेती की शुरुआत, आप अपन सब जानते हैं चंदन बहुत महंगा है, तो राज्य में चंदन की खेती चालू हो गई है। राजस्थान में चंदन की खेती वैज्ञानिक तौर तरीकों से करने के लिए शुष्क, देखिए दोस्तों एक राजस्थान में आपने शायद सुना हो नहीं सुना हो, एक तो इंस्टीट्यूट है आफरी है ना, और एक है काजरी। ये क्या करते हैं कि जितना भी एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं ना, इनसे रिलेटेड कोई चीज़, नई चीज़ का इनोवेशन करना, जैसे मान लो कोई नई ब्रीड का इनोवेशन करना, राजस्थान में जितनी भी है, तो इसका मेन सेंटर वैसे जोधपुर में है, तो वहाँ पे नए नए पौधों को इन्वेंट किया जाता है, उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड बीज वगैरह होते हैं उनको वहाँ पे इनोवेट किया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया कि चंदन की खेती को तौर तरीकों से उस आफरी में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और 5,000 पौधे तैयार किए गए, ठीक है दोस्तों। आफरी ने देसूरी उदयपुर सिरोही को चंदन की खेती के लिए चुना है, और उदयपुर देसूरी और सिरोही है ना अपना, वहाँ पे उन स्टेट्स उन जिलों को चुना है। यहाँ प्राचीन काल में चंदन की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा प्राचीन काल में चंदन की खेती के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, देसूरी उदयपुर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है दोस्तों। फिर बात करें नल्ला की फिल्म में फिर जिंदा हुई बाघिन मछली, अभी क्या है नल्ला की एक फिल्म थी, नल्ला ने रणथंबोर की बाघिन मछली पर फिल्म निर्माण किया। बाघिन मछली थी अपने, क्या है रणथंबोर जो अपना नेशनल पार्क है ना वहाँ पे बहुत ही फेमस टाइगर्स थी, बाघिन थी है ना, टाइग्रेस, उसका नाम मछली था, क्या नाम था मछली। तो आपको ये पूछा जा सकता है मछली क्या है ना, फिल्म का नाम है क्या है, तो आपको, लेकिन वो अभी मर गई है, तो उसमें वहाँ पे क्या फिल्म का प्रिपरेशन हुआ नल्ला ने, ठीक है। तो बात करें मछली क्या, मछली रणथंबोर की वह बाघिन है जिसके नाम दुनिया में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सबसे ज़्यादा बार देखने का रिकॉर्ड है, मतलब ये सबसे पॉपुलर बाघिन थी, इतना तो इंसान भी पॉपुलर नहीं होता जितनी ये टाइगर पॉपुलर था, ठीक है। तो बाघिन थी 11 करोड़ फोटो खींचने वाली दुनिया की पहली बाघिन थी, बहुत ही ज़्यादा 11 करोड़ फोटो खींचे थे इस बाघिन के। बाघों की ब्रांड एम्बेसडर भी थी ये, डाक टिकट भी जारी हुआ था इस पर, बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। दुनिया का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला, बहुत बड़ी बात है।
जानवरों को देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है ना। फिर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यह अभियान 22 जनवरी 2015 को देश के 100 जिलों में शुरू की गई थी, बाद में 61 जिलों को इस परियोजना में जोड़ा गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें 2011 की जनगणना, मतलब जो सेंसस हुआ था, जो अभी हर साल हर 10 साल में होता है, 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा सेंसस। तो उस जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर महज झुंझुनू में कितने थे, 837 लड़कियां थी, जो 2017 में बढ़कर 955 हो गई। दोस्तों झुंझुनू हरियाणा में बहुत ही कम जो लड़कियों का जो रेशियो था बहुत कम था, कितना था, मात्र 837 था ना। तो अब लेकिन इस स्कीम को चलाने के बाद बहुत ही लोग जैसे जैसे एजुकेशन मिल रहा है लोगों को। देखिए यार, एजुकेशन एक ऐसा टूल है ना जो हर चीज़ अपना आप कंपनसेट कर देता है। मतलब आप किसी को पैसा देते हो, कुछ देते हो, आप उसको कुछ मत दीजिए, आप सिर्फ उसको एजुकेट कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा ना कि वो अपना आप ही सब कुछ कर लेगा। अब जैसे मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इससे आपका भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। तो 2017 में कितना हो गया था, 955। फिर बात करें इन जिलों कलेक्टरों में सीकर जिला कलेक्टर नरेश ठकराल एवं पूर्व जिला कलेक्टर एलएन सोनी और झुंझुनू जिला कलेक्टर दिनेश यादव को भी सम्मान दिया गया, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टेट में काम कौन कराता है, कलेक्टर के द्वारा काम किया जाता है। हरियाणा का सोनीपत लिंग अनुपात में सबसे आगे है। 2014 में 1000 लड़कों पर लड़कियों पर संख्या कितनी थी, 830 थी, बहुत ही कम रेशियो था। अब कितना हो गया, 1005, बहुत ही बढ़िया बात है ना, 1000 से भी ऊपर चला गया है ना। फिर बात करें राजस्थान में वर्ष 2017-18 राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ राज्य श्रेणी का नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला, राजस्थान को मिला, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में 0-6 लिंग अनुपात 888 से बढ़कर 940 हो गया। तो दोस्तों अभी भी इंप्रूवमेंट हो रहा है और भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए राजस्थान करंट अफेयर इतना ही था दोस्तों। तो ना यार, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे और भी लोगों का फ़ायदा होता है। आप जितना लोगों को ज़्यादा शेयर करेंगे या फिर और लोगों को बताएंगे, ठीक है, तो उससे आपका भी फ़ायदा, औरों का भी फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल का, तो उनके लिए नोटिफिकेशन है, आप गेट की प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे IAS, SSC, JEE, RUNL, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, RRB, दिल्ली मेट्रो, मन कहने का मतलब है हिंदुस्तान के आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चालू हो रही है कब से, 6th August 2018। स्केड्यूल क्या होने वाला है क्लासेस का, ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे अपन, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे EC का, और सिविल को भी करने की बात चल रही है। फिर बात करें अपन नॉन टेक भी कवर करेंगे, क्योंकि नॉन टेक भी कोई भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, GK, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश। तो अगर आप यार दोस्तों ये क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो हमारे चैनल स्टडी माई वे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।